हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने की बहुत से डिफरेंट रेसिपीज़ हैं और कुछ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, लेकिन जो हम रेसिपी आज बनाने जा रहे हैं वो बड़ी ही सिंपल रेसिपी है। झटपट से बनके आपके गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो चलें, हमने यहाँ पे हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिल्क पाउडर से। ये बिल्कुल 100% मिल्क पाउडर है, इसमें कोई चीनी नहीं है। और मैं कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे नेटको यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने ईस्ट एंड और भी डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ किए हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरा हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। अब ये जो सेल्फ रेजिंग फ्लावर होता है, ये प्लेन फ्लावर से काफ़ी अलग होता है, बिकॉज इसमें रेजिंग एजेंट डाला गया होता है। तो आप ये ख्याल रखें कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर ही यूज़ करें। तो हमने कप वो डाला है। और अब हम लेंगे हमारा तीसरा ड्राई इंग्रेडिएंट, जो कि सूजी है। सूजी मोटी भी आती है और फाइन भी आती है। यहाँ पे मैंने फाइन सूजी 1 टेबलस्पून लिया। तो ये हो गए हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध को थोड़ा गुनगुना अराउंड 1 मिनट 20 सेकेंड्स माइक्रोवेव में कर लिया था। और पहले आप आधा ही डालें, क्योंकि इसकी हमने इसको अभी गूंदना है, और जो बिल्कुल सॉफ्ट जैसे आटा होता है ना, वो कंसिस्टेंसी इसकी करनी है। और बिल्कुल मतलब चपाती वगैरह के आटे जितना नहीं गूंदना, बस लिटरली मिक्स ही करना है। यहाँ आपको देख के लग रहा होगा कि थोड़ा ड्राई है, शायद दूध और की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो देखें आप, ये कंसिस्टेंसी हो गई। अभी आपको थोड़ा सा स्टिकी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम 1 मिनट के लिए गूंद लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी हम इसके छोटे ऐसे आप देख रहे हैं, ये बॉल्स बना के रख लेंगे। तो जितना हमने क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स की ली है, उससे मैंने तो 16 छोटे छोटे पेड़े बना लिए। आप अपने हिसाब से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि जब ये पक जाएंगे गुलाब जामुन, तो ये फूल भी जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। तो ये देखें, हमारे 16 जो हैं वो बिल्कुल छोटे पेड़े बन के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम किया था, और साइड पे आप देख रहे हैं कि चाशनी भी रखी हुई है मैंने। तो वो चाशनी जो है ना, वो बिल्कुल मतलब 1.5 कप पानी, 1.5 कप शुगर को रख दिया था गरम का, 15 मिनट पकेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुलाब जामुन मैंने सारे एक पूल में डाल दिए हैं, और मीडियम हीट पे 20 मिनट्स तक पकाए हैं, और कॉन्स्टेंटली हिलाते हिलाते पकाए हैं ताकि अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। तो हम इनको निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। थोड़ा 15-20 मिनट ठंडे हो जाएं, तो आप चाशनी में, जो हमने पहले चाशनी बनाई थी ना, उसमें आप इनको भिगो के रख लें, ओवरनाइट रहने दें। अगले दिन जब आपने खाने हैं, तो आप ये देखें, जितने खाने हैं उतने निकाल लें और चाशनी में थोड़ा सा हिला विला के गर्म कर लें। तो देखें, ये बिल्कुल डिलिशियस सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन तैयार। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज थम्स अप करें, लाइक करें। नहीं पसंद आई है तो प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट का जवाब दूं। शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।